काजल को न्याय दिलाने को मैथिल ब्राह्मण सभा ने दिया धरना। आपको बताया जा रहा है कि मैथिल ब्राह्मण सभा के नेतृत्व में सेठ दामोदर पार्क में विशाल धरना प्रदर्शन के बाद जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें थाना बरखेड़ा जिला पीलीभीत में 13 नवंबर 2021 को कक्षा 12 की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद गला घोटकर हत्या कर दी गई थी, जिसका मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने सचिन नाम के युवक को जेल भेज दिया। सभा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस प्रकार नाबालिग की हत्या की। क्या नाम है आपका? सुमन शर्मा। क्या मांग है, क्या समस्या है आपका? मेरी मांग है कि मेरी बेटी के असली कातिलों को नहीं पकड़ा गया है। एक 16 साल के लड़के को पकड़ा गया है और उसी को जेल में डाला गया है और बाकी हत्या। मेरी बेटी सुबह 7 बजे कोच पढ़ने गई थी और 7 बजे के बाद में 5 बजे आती थी, 5:15 पे घर पे आ जाती थी। जब मेरी बेटी नहीं आई तब मैंने ढूंढा ढांडा और पूछताछ की सब जगह और पुलिस थाने में फिर रिपोर्ट लिखाई। वहाँ रिपोर्ट लिखाने के बाद मेरे घर वालों ने सबने ढूंढा तो मेरी बेटी का शव 11:30 बजे मिला गन्ने के खेत में और पुलिस ने एक लड़के को पकड़ा है, उसी को बंद किया है और बाकी हत्यारे घूम रहे हैं। एक का काम नहीं है मेरी बेटी को मारने। नहीं, नाम नहीं मालूम, मैं ये कैसे बता सकती हूँ कितने लोग, लेकिन एक का काम नहीं है, एक ने नहीं मारा है मेरी बेटी को। उसकी इतनी हत्या, बुरी दशा से हत्या जो की है, वो एक का काम नहीं है, एक नहीं मार सकता उसे। एक पे एक भारी पड़ जाता है जब जान पे आती है अपनी। तो अब आप क्या चाह रही हैं? मैं चाह रही हूँ मुझे न्याय मिलना चाहिए, मेरी बेटी के कातिलों को पकड़ा जाना चाहिए। जो रह गए बाकी, जो रह गए हैं बाकी, उन्हें पुलिस पकड़ नहीं रही है। क्या करती थी बेटी? मेरी बेटी इंटर कर रही थी बरखेड़ा। क्या नाम है आपका? मैं ओपी शर्मा। धरने बैठे क्या मांगे हैं? मैं मैथिल ब्राह्मण सभा का जो है महासचिव हूँ और हमारे जो है ये लोग जो है पीलीभीत बरखेड़ा डंडिया गांव के निवासी, इनकी बेटी का जो है हत्या कर दी गई थी नवंबर में और हम लोग वहां गए, कई बार हमने प्रयास किया कि मतलब इसमें जो है इनको न्याय मिले, लेकिन ये लोग जो है पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। इन लोगों ने बताया है कि उनके जो है बेटी की हत्या में मात्र 16 साल के एक सचिन नाम के नाबालिग लड़के को, जो बरखेड़ा का निवासी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसे जेल भेज दिया गया। 16 साल का कमजोर बच्चा, इतनी निर्मम हत्या कक्षा 12 की लड़की की नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पोस्टमार्टम में 8 जगह जो है उसके गंभीर चोटें आई हैं, उसके साथ सामूहिक बलात्कार की पुष्टि हुई है, लेकिन पुलिस, बरखेड़ा पुलिस, पीलीभीत पुलिस इसको मानने को तैयार नहीं है। वो राजनीतिक दबाव में इनके लिए जो है इंसाफ नहीं दे रही है। वो ये समझ रही है कि मैथिल समाज के लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी बात को विधानसभा तक कोई पहुंचाने वाला नहीं है, उनकी बात कहीं पर कोई सुनी नहीं जाएगी, इसलिए इनके लिए जो है दबा दिया जाए, इनकी बात को दबा दिया जाए, इन्हें इंसाफ नहीं दिया जाए। लेकिन हमारी संस्था के माध्यम से चाहे हमें GPO लखनऊ में जो है धरना प्रदर्शन करना पड़े, हम लोग जो है लखनऊ तक इस बात को उठाएंगे, लेकिन जो हम पीछे नहीं हटेंगे किसी भी सूरत में। जो है हम इनको न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि 16 साल का बच्चा अकेले जो है इतनी निर्मम हत्या उस लड़की की नहीं कर सकता, उसमें जो उसके साथी हैं, हो नहीं सकते हैं, लेकिन पुलिस, बरखेड़ा पुलिस राजनीतिक दबाव में, लोगों के दबाव में इनको न्याय नहीं दे रही है, इंसाफ नहीं दे रही है ये लोग। और हमारी संस्था के माध्यम से हमने पीलीभीत के कई अधिकारियों को, पुलिस प्रशासन को काफ़ी लिख कर के दिया, बरेली मंडल स्तर के अधिकारियों को लिख कर के दिया और सरकार के जो है मुख्यमंत्री तक हमने लेटर भेजे, लेकिन हमारी बात को कहीं कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, सुनी नहीं जा रही है। इसलिए हम ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से पुनः जो है मंडल आयुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे इस मामले में मतलब निसहाय व्यक्ति की क्या मदद नहीं हो सकती, क्या राजनीतिक दबाव में इनके लिए न्याय नहीं मिल सकता? इनके लिए न्याय मिलना चाहिए, अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग इनके लिए जो है साथ देते रहेंगे, चाहे लखनऊ के GPO में जाकर के धरना प्रदर्शन करना पड़े, हम वहां पर भी जाकर के मुख्यमंत्री का और प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद आपका भी।